प्रदेश में लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिसके संबंध में आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जो भी गरीब लाभार्थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वंचित हैं, उनके लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी चलाई जा रही है, जिसमें 5 लाख रुपए तक की गरीब परिवार के इलाज के लिए व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि जनपद में करीब 15 लाख प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी हैं और 7,000 के आसपास मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करीब जनपद में 3,65,000 लोगों का आयुष्मान आरोग्य कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए 16 सितंबर से महाअभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत जन सेवा केंद्र के प्रोप्राइटर गांव में जाकर जन आरोग्य कार्ड बनाने का कार्य करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आयुष जन आयोग योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नोडल अधिकारी गोरखपुर। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक के इलाज की सुविधा मुफ्त भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, जिस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और प्रदेश सरकार द्वारा एक मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी चलाई जा रही है। उसके तहत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो गरीब परिवार आच्छादित नहीं है, उनके लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत व्यवस्था रखी गई है। इसमें भी 50 लाख तक के मुफ्त इलाज की पूरे परिवार की व्यवस्था की गई है। हमारे जनपद में करीब 15 लाख प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी हैं और 7,000 के आसपास मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करीब जनपद में 3,65,000 कार्ड अभी तक आरोग्य कार्ड, जिसको पूर्व में आयुष्मान कार्ड के नाम से जाना जाता था, बनाए जा चुके हैं और लाभार्थियों की संख्या बढ़ सके, जन आरोग्य कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बन सके, इसके उपलक्ष्य में हमारा 16 तारीख से, इसी माह के 16 तारीख से एक अभियान चलाया जा रहा है 15 दिनों का, जिसमें BLD के द्वारा जो सहज जन सेवा केंद्र के प्रोप्राइटर होते हैं, उनके द्वारा ग्राम पंचायतों में जा करके और जन आरोग्य कार्ड बनाया जाएगा। इस 15 दिनों में हम लोगों की कोशिश रहेगी कि पूरे जनपद को जितने भी लाभार्थी हैं आरोग्य कार्ड से आच्छादित कर दिया जाए। ये कार्ड बिल्कुल मुफ्त बनेगा, निःशुल्क बनेगा, इसमें लाभार्थी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो अपील भी मैं करता हूँ अपने जनपद वासियों से कि बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लें और जो भी लाभार्थी हैं लिस्ट में जिनका भी नाम है, अपने ग्राम प्रधान से भी आप संपर्क कर सकते हैं, ग्राम सभा की आशा से भी संपर्क कर सकते हैं, NM से भी संपर्क कर सकते हैं और अपना कार्ड बनवा लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, आपके लिए भी लाभकारी है और हितकर है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत गरीब परिवारों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लाभार्थी परिवार पहले से चिन्हित हैं, जिन लाभार्थी परिवार के नाम है उनके परिवार के सभी सदस्यों का गोल्डन कार्ड बनना है। हमारे पास 15 लाख के आसपास गोल्डन कार्ड बनाने के लिए लाभार्थी परिवार में कार्ड नंबर है,
अभी तक हम 3,65,000 से ज़्यादा का कार्ड बना चुके हैं। इसमें हमारे साथ में BLE होते हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर वाले होते हैं, उनको साथ में लेकर के गांव-गांव में हमारे कैंप लग रहे हैं। 16 तारीख से हम बृहद पखवाड़ा चलाएंगे, जिससे कि जो लोग भी छूट रहे हैं, जो लोग भी किसी तरह से कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं, उनके गांव-गांव जगह जगह जा करके हम कैंप लगा के वैक्सीनेशन कार्ड, ये आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे। हमारा ये आयुष्मान कार्ड बिल्कुल मुफ्त है, ये इसको जिसके पास भी रहेगा वो उसको दिखा के सरकारी हमारे जितने अस्पताल हैं, BSCSC और हमारे जिला अस्पताल, वहाँ भी दिखा करके बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। हमने आयुष्मान कार्ड होल्डरों के लिए जिला अस्पतालों में अपनी CSC पर इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जिनके पास भी आयुष्मान कार्ड हैं, वो अगर आते हैं तो उनको स्पेशल सुविधा दी जाए, उनके लिए स्पेशल वार्ड तैयार कराए गए हैं, वो आएंगे तो उनको स्पेशली अच्छी सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ प्राइवेट नर्सिंग होम्स में भी 5,00,000 तक का, परिवार के 5,00,000 तक का बीमा किया गया है। उसमें जब भी कोई आयुष्मान कार्ड होल्डर है प्राइवेट नर्सिंग होम में जाता है तो अपना कार्ड दिखाएगा, उसके साथ में उसको सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जो कि बिल्कुल ही मुफ्त सुविधा रहेगी।